भारत में रूप बदल रहा है कोरोना। वैक्सीन की खोज को लग सकता है पलीता। पूरी दुनिया कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने में लगी है। वैज्ञानिकों की तरफ से भी कई रिसर्च किए जा रहे हैं ताकि इसकी वैक्सीन बनाने में मदद मिल सके, लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च में भारत समेत पूरी दुनिया को चिंता में डाल सकती है। ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के शोधकर्ताओं के अनुसार कोरोना वायरस भारत में अपना स्वरूप बदल रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर की जा रही वैज्ञानिकों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। स्टडी में कहा गया है कि यह बदलाव कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के हिस्से में देखा गया है। स्पाइक प्रोटीन के जरिए वायरस शरीर की कुछ कोशिकाओं को जकड़ कर रखता है। कोरोना वायरस की कंटीली संरचना की ACE2 एंजाइम युक्त कोशिकाओं को निशाना बनाती है। ACE2 एंजाइम फेफड़ों में पाया जाता है। वैज्ञानिकों को अब तक यही जानकारी थी कि वे ऐसी एंटीबॉडीज पर काम कर रहे थे जो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो, लेकिन अचानक वायरस की संरचना में बदलाव होने से वैज्ञानिकों को नए सिरे से मेहनत करनी पड़ सकती है।